नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की सभी बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की खबरें मोदी सरकार की ओर से आम नागरिक के लिए निकल कर आ रही है। इसी के साथ में रिलायंस जियो की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जल्द ही आपको 399 रुपए में मोबाइल मिलने वाला है। जो लोग एयरटेल की सिम का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एयरटेल ने बड़ा ऐलान कर दिया अपने प्लान को लेकर, और इसी के साथ में भारतीय रेल एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं। चलिए, तो आज की पहली खबर है 150 नई प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए अगले महीने मंगाई जाएगी बोलिया। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 150 नई प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए 100 नए रूटों का चयन कर लिया है और इन रूटों के लिए अगले महीने बोलिया मंगाई जाएगी। दरअसल रेलवे पैसेंजर ट्रेन के संचालन का कामकाज निजी हाथों में सौंपना चाहता है। 19 दिसंबर को वित्त मंत्रालय के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी की तरफ से इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद निजी ऑपरेटर की तरफ से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। तो ऐसे में रेलवे में लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ट्रेनों का संचालन प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी हाथों को दिया जाएगा। चलिए, तो अगली खबर है, इस सरकारी बैंक ने रात में एटीएम से पैसे निकालने का बदला नियम, आपको होगा फायदा। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रात में एटीएम से कैश निकालने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। एसबीआई ने रात 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक एटीएम से 10,000 रुपए से अधिक कैश निकालने के ऊपर ओटीपी सिस्टम को लागू कर दिया है। और ये नया सिस्टम 1 जनवरी 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगा और ये फैसला ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने और सुरक्षित लेन देन के लिए किया गया है। यानी कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक एटीएम से 10,000 से ज्यादा रकम निकालने पर आपके मोबाइल में रजिस्टर मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, उसकी मदद से ही आप एटीएम से कैश निकाल पाएंगे, है ना। तो अगली खबर है, घाटे का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल पाएगी बिजली कंपनियां, एक महीने में आएगी नई टैरिफ पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने शनिवार को गोवा के पणजी में कहा कि नई पावर टैरिफ पॉलिसी एक महीने के अंदर जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ पॉलिसी की मदद से ऐसे प्रावधान किए जाएंगे इसके तहत बिजली कंपनी अपने घाटे का बोझ एक निश्चित सीमा से ज्यादा कस्टमर यानी कि ग्राहकों के ऊपर नहीं डाल पाएगी। मंत्री का कहना है कि ये जो नई पॉलिसी होगी वह उपभोक्ताओं के हित में बनाई जाएगी। चलिए, तो अगली खबर है, 400 रुपए में लॉन्च हो सकता है जियो फोन लाइट, 50 रुपए में होगी महीने भर बाद। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो जल्दी अपने फीचर फोन जियो फोन के अगले वर्जन जियो फोन लाइट को लॉन्च कर सकती है। कंपनी इस नए फीचर फोन को पिछले फोन के मुकाबले बेहद ही कम कीमत में लॉन्च कर सकती है। खबरों की माने तो रिलायंस के नए फोन जियो फोन लाइट में ज्यादा फीचर तो नहीं होंगे, इससे फोन से बातचीत की जा सकेगी, लेकिन इसकी कीमत मात्र 399 यानी कि 400 रुपए के करीब हो सकती है। और खबरों की माने तो रिलायंस जियो इसके लिए एक नया प्लान भी लॉन्च करेगी जिसकी मदद से आप महीने भर बातचीत कर पाएंगे। चलिए, तो बढ़ते अगली खबर की ओर, तो एयरटेल ने दोगुना महंगा किया मिनिमम रिचार्ज प्लान। जी हां दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने मिनिमम रिचार्ज प्लान को करीब दोगुना महंगा कर दिया है। भारती एयरटेल की ओर से रविवार को जारी एक पब्लिक नोट में कहा गया कि अब उनका नया मिनिमम रिचार्ज प्लान 23 रुपए से बढ़कर 45 रुपए हो चुका है, यानी कि इसमें 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह नया प्लान रविवार 29 दिसंबर 2019 से लागू भी हो गया है। फिलहाल भारतीय एयरटेल के ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी के लिए कम से कम 23 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता है, लेकिन अब एयरटेल के ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी के लिए कम से कम 45 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। चलिए, तो अगली खबर है, सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का मौका, सरकार ने लॉन्च किया ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म। जी हां दोस्तों, अब आपको जल्द ही सरकार की तरफ से नीलामी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल सकता है। सरकार ने इसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी को ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर नीलाम किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए नया प्लेटफॉर्म ई विक्रय को लॉन्च किया है जिसके जरिए आम आदमी भी सस्ती कीमत में नीलामी के जरिए प्रॉपर्टी खरीद पाएगा। चलिए, तो अगली खबर है, छुट्टियों को लेकर सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, अब इतने दिन और बंद रहेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, हरियाणा की सरकार ने शीतलहर के चलते सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी प्राइवेट स्कूल में 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया। चलिए, तो अगली खबर है, पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर, मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए जारी की रेड वार्निंग। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई हिस्सों में हाड़कंपा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में लोगों को ठंड के कारण घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड वार्निंग को जारी कर दिया है। तो अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बात करेंगे भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव की। सबसे पहले बात करेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,810 रुपए, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 30,480 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 38,100 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,81,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,930 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 31,440 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार
39,300 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,93,000 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। चलिए तो बात करेंगे भारत के बड़े शहरों में गोल्ड प्राइस की, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासन काल में हुई थी। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और वे जीत सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल टीवी लैपटॉप कंप्यूटर और इसके साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो बात करेंगे भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। वही बात करें चांदी के ताजा भाव की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का ताजा भाव 46,450 रुपए पर पहुंच चुका है। चलिए तो आज की खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।